भाई वेलकम टू यूपी, आकाश भाई वेलकम टू यूपी 84 ब्लॉग। तो कैसे हो भाई? भाई बढ़िया हूँ, एक नंबर। और भाई आज इसको कहाँ ले चल रहे? भाई सर्विस कराने ले चल रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है इस गाड़ी में। तो पहले तो भाई दिक्कत बताओ, इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है यार? दिक्कत भाई सबसे पहली दिक्कत तो भाई पावर लैग करती है। इसको लॉन्च करते ना पहले गियर पे भी करोगे, दूसरे गियर पे भी करोगे तो थोड़ा सा पावर लैग करती है लॉन्च करने पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी वजह से मैं इसकी सर्विस भी पहले कराने जा रहा हूँ। तीसरी सर्विस होनी थी 13,000 पे, मैं कराने जा रहा हूँ 10,000 पे भाई, इसी वजह से। पावर लैग की वजह से। और डिसएडवांटेज इसका भाई ये है कि ये देखिए आप, यहाँ पे जब ब्रेकिंग यूज करते हैं तो पैर भाई ज़्यादातर इसमें लगता है सेंसर में, तो ये यहाँ से हटा के भाई इधर ऊपर लगाना चाहिए था, जैसे ड्यू किया पल्सर में लग के आता है। और एक डिसएडवांटेज ये देखिए, इधर करिए कैमरा, ये भाई थोड़ा बेटर क्वालिटी करना चाहिए था। हाँ माना कि आपने इंडिकेटर चेंज कर दिए हैं, तो थोड़ा देखना चाहिए था इसको बेटर क्वालिटी करना चाहिए। पर इसमें कोई लॉक सिस्टम तो लॉक सिस्टम नहीं है, बस ऐसा ही फंसा हुआ है, ग्रिप है, ये निकल जाती है भाई। भाई जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि कोई बैक सीट पर बैठा है ऐसे करके, तो उसने ऐसे करके हल्का सा किया तो ये निकल जाता है एकदम से भाई। और भाई इसकी ब्रेकिंग थोड़ी बेटर करनी चाहिए थी, ब्रेकिंग इसकी, ब्रेकिंग तो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसकी ब्रेकिंग पे। और फिर चलते हैं भाई शोरूम पे, थोड़ा काम कराते हैं इसमें। भाई पहले ये बताओ इसके, इसको कितना किलोमीटर रन कर दिया, कितने किलोमीटर रन कर लिया इसे? इसको भाई अभी तो दिखाया था 10,000 कर दिया इसको। चलो कोई ना, अभी देखते हैं, फिर चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर। फिर हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, जो है इसका सर्विस सेंटर हम जा रहे हैं इटावा। इटावा इसका सर्विस सेंटर है, है तो मैनप्री में भी सर्विस सेंटर भी करा सकते थे, बट इसे भाई को मैनप्री मतलब वो नहीं मिलता है, जो कहते हैं ना सेटिस्फाई नहीं होते हम लोग सर्विस कराते, तो वो नहीं मिलता है। तो हम जा रहे हैं सीधे इटावा, फिर इटावा इसका सर्विस कराएंगे और देखते हैं भाई, फिर आपको बताते हैं। और वहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे लाइव सर्विस इसकी, जो भी लाइव होगी, जो भी कुछ होगा आज आपके सामने सब लाइव होगा। तो चलिए चलते हैं, बाकी का गियर अप करते हैं। मेरे पास चैन सेट कराने के, चैन सेट वो लगने से शॉट लगने से स्पिन का हिसाब होता है, उधर से दबेगा उधर से भी दबेगा। क्या बचा इसीलिए तो चेंज करवा दिए, इसमें कुछ बचा नहीं है, देख सकते हैं आप, इसमें कुछ बचा नहीं है इस पैड में।
ख़त्म हो चुके हैं, अपने नए डिस्प्ले डलने हैं। आप स्प्रे और जो कुछ चाहिए वहाँ से ले लो, ठीक है? ठीक है। तो फिर मैं तो और राघव है तो आती है, सेरेमिक आती है, एक सिंपल आती है। ठीक है, पॉलिश ली आपने? के ब्रेक पैड हो गए, 138 का स्पोकेट अगला वाला जो पड़ा और 530 का इंजन ऑयल, 251 का है एयर फिल्टर और 247 का ऑयल फिल्टर। ठीक, जल डाल दिया मैं, अरे वो लिया, अरे वो लिया था नहीं, ये हो चुका है ना। हाँ, तो हमारा जो ऑल ओवर खर्चा आया 2528 का, जिसमें हुआ है फैमिली ऑयल क्लीनर। चलते हैं घर, तो चलाने थी बाइक, तो हमने दे दी फाइल को टेस्ट करने के लिए और हम तो नहीं चल रही, हम तो नहीं चल रही भाई, ये कहाँ चल रहा है, किस तरफ? वो गया फिर से, फिर तो ये सॉकेट तोड़ेगा, सॉकेट तोड़ेगा, चालीस रहता है। हाँ जी, ओके, चलो कोई ना, ठीक भाई, ओके, पहुँच के फ़ोन कर, चलो ठीक भाई, ठीक क्या निकल, चल भाई कोई नहीं यार, बुरा लग रहा है। अरे चलो कोई नहीं भाई, टेंशन ना ले।